हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। किस किस रास्तों से बॉडी के अंदर ड्रग पहुंचाया जाता है, ठीक है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो मेन हेडिंग है तुम्हारे पास वो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, लेकिन साथ साथ में हमें चीजें पढ़नी पड़ेंगी कौन सा रूट कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा यहां पर क्या है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या बोल रहा है ये। तो कह रहा है द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मैंने पहले ही बताया था एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्यों इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब कोई चीज दी जाती है, खुद से ली जाएगी तो टेक, ठीक है ना। एडमिनिस्टर किसी के द्वारा दी गई, इसीलिए ये शब्द आया है। ये शब्द भारी भरकम नहीं है, ठीक है, वर्ड ही इसलिए आया है। एडमिनिस्ट्रेशन दवाइयों का डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाना और फिर मरीज के द्वारा खाया जाना, ये पूरी लंबी लाइन के लिए एक शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द वे थ्रू विच, ये वो रास्ता है थ्रू विच द डोजेस फॉर्म लिक्विड हो सकते हैं, सिरप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डोजेस फॉर्म, इज एडमिनिस्टर्ड, दी जाती है इनटू द बॉडी के अंदर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज एंड डिसऑर्डर, है ना, कई सारी डिजीज और डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट रास्ता कौन सा अपनाया जाएगा, इज डिटरमाइंड बाय, ये डिटरमाइन किया जाता है, डिसाइड करता है कौन, प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, ड्रग की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर और लिपिड सोल्यूबल, ड्रग वाटर सोल्यूबल है या लिपिड सोल्यूबल है या आयनाइजेबल है या नहीं है। एंड बाय द थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपका क्या चीज ठीक करने का उद्देश्य है, थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव, आप क्या ठीक करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप दवाई को प्रिफर करेंगे, है ना। खांसी के लिए जनरली सिरप ही होते हैं, है ना, समझ रहे हो। एंटीबायोटिक के लिए जनरली टैबलेट ही होती है, तो ये बात डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल द नीड फॉर अ रैपिड ऑनसेट, ऑनसेट मतलब शुरुआत, अगर तुरंत चाहिए, द नीड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट या लंबे समय का इलाज करवाना है, अगर लंबे समय का इलाज करवाना है तो जाहिर सी बात है टैबलेट के रूप में चीज दी जाएंगी, तुरंत करना है ऑन द स्पॉट इमरजेंसी है इंजेक्शन दे दिया जाता है। और रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिलीवरी टू लोकल साइट, या हम चाहते हैं कि केवल जहां पे हम ये स्किन है केवल यहीं पर ही दवाई का असर हो, तो लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है जो केवल इतने ही हिस्से को सुन करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सा रूट अपनाना है, क्लियर है। तो रूट तो समझ में आ गया होगा, सबको पता है दवाइयां मुंह से खाई जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ना ये सब चीजें होती हैं, थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें, अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्मेसी इज द पाथ बाय विच ड्रग इज टेकन इन टू द बॉडी, रूट वो चीज है फार्मेसी में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस रास्ते दिया जाएगा, वो रास्ता है जिसके थ्रू ड्रग को बॉडी के अंदर लिया जाता है, ठीक है। अब देखो जरा क्लासीफाई कर ले थोड़ा सा, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक है सिस्टेमिक और एक है लोकल। तो सिस्टेमिक का मतलब बच्चों दिमाग में एकदम सेट कर लो, सिस्टेमिक का मतलब ये जो मेडिसिन है ये मेरी कहाँ जाने वाली है, ब्लड में जाएगी, कहाँ जाएगी, ब्लड में, यानी कि किसी ना किसी तरीके से वो आखिरकार खून में पहुंच जाएगी। और लोकल मतलब खून में नहीं जाएगी, लोकल ही रहेगी, बात समझ में आ रही है। अगर कोई दवा हमारे खून में पहुंच जाती है खाने के बाद तो वो हो गया सिस्टेमिक, और अगर लोकल ही रहती है खून में नहीं जा रही है, ऐसे स्किन का इन्फेक्शन है, क्रीम लगा ली हमने, वो दवा ब्लड में नहीं जा रही है, तो डेट इज कॉल्ड लोकल, बात समझ में आई। आओ चलो देखें आगे, इसमें आता है हमारे पास इंटरनल। इंटरनल के अंदर तीन कैटेगरी है, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। मुंह से खाने के लिए सबलिंगुअल जो जीप के अंदर रखी जाती है, रेक्टल जो एनएस के थ्रू दी जाती है। देन पेरेंट्रल, पेरेंट्रल के अंदर तीन कैटेगरी आती हैं, इनहेलेशनल जो सूंघते हैं हम लोग, ट्रांसडर्मल, ठीक है ना, जो स्किन स्किन होता है इसके थ्रू अंदर पहुंचाई जाती है, और इंजेक्शन। इंजेक्शन के कई सारे रूप हैं, इसको थोड़ा थोड़ा भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लोकल की बात करें तो स्किन है, इंट्रानेसल है नाक के अंदर, ऑक्यूलर ड्रॉप है आंख के अंदर, म्यूकोसल थ्रॉट है ना मुंह के अंदर कुछ लगा लिया जाता है, वेजाइना माउथ है ना मुंह के अंदर लगा लिया, वेजाइना के ऊपर अंदर की लेयर पे लगा लिया, ईयर के अंदर डाल लिया, इनहेलेशनल या ट्रांसडर्मल, ये सारी बातें इसके अंदर भी आ जाती हैं, दो तीन चीजें कॉमन हो जाती हैं, लेकिन ये जो दवा रहेगी ऊपरी रहेगी, यहाँ पे जब ट्रांसडर्मल लेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगी, ब्लड में पहुंच जाएगी, बात समझ में आ रही है। चलो आओ देखते हैं,
तो क्या कह रहा है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिस्टेमिक रूट। तो सिस्टेमिक रूट का क्या डेफिनेशन है हमारे पास, क्या कह रहा है, कह रहा है सिस्टेमिक रूट, इन सिस्टेमिक रूट द ड्रग रीचेस टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दवाई कहां पहुंच जा रही है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में पहुंच जा रही है। सीधी सी बात मोटा दिमाग में रखेंगे, सिस्टेमिक का मतलब ब्लड, सिस्टेमिक का मतलब ब्लड में पहुंच जाएगी। सो दैट ताकि इट इज कॉल्ड सो दैट देयर फोर या कह लो देयर फोर, इसीलिए इट इज कॉल्ड सिस्टेमिक रूट, इसीलिए इसको सिस्टेमिक रूट कहा जाता है। ठीक है, सिस्टेमिक रूट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, इसको हम फिर से दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास इंटरनल रूट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है पेरेंट्रल रूट, है ना। एक इंटरनल रूट है ए, और दूसरा क्या था हमारे पास पेरेंट्रल रूट, इंटरनल रूट और पेरेंट्रल रूट। तो आओ देखें इंटरनल रूट में क्या क्या है। इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जी आई और टी, इसको कहां रखा जाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि इस वाले रूट में दवा हमारे पेट में जाएगी पहले, कहां जाएगी पहले, पहले पहुंचती है पेट में जी आई टी में, और फिर जाती है हमारे पेट में जाने के बाद फिर जाएगी हमारे खून में। तो जब दवा पहले पेट में जाए यानी कि जी आई टी में जाए तो उसको कहते हैं इंटरनल रूट, सिंपल क्लियर है। देन इट एब्जॉर्ब टू द ब्लड, उसके बाद ये कहां एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। दिस रूट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस, इसको हम तीन क्लास में तोड़ सकते हैं। ओरल, जब मुंह से खाते हैं तो दवा कहां जाती है, पेट में जाती है, ठीक है। इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन द माउथ एंड स्वेलोड, निगल लिया जाता है, स्वेलोड मतलब निगल लेना, निगलना, स्वेलोड मतलब निगलना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर ओरल, पीओ कहा जाता है ना, इसको हम लोग पर ओरल भी कह देते हैं, ठीक है, और पीओ कहा जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ डोजेस फॉर्म, कौन कौन सी डोजेस रूप है, दवाओं के कौन कौन से रूप है जिनको हम ओरली खाते हैं, सबको पता है, टैबलेट कैप्सूल सीरप सबको पता है। तो यह रटना कुछ नहीं है, समझ लो एक बार केवल, ठीक है ना। एडवांटेज की बात करें ओरल रूट के, कन्वीनियंट है, आसान है, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, पेन फ्री, इजी टू टेक, खुद ले सकते हैं। इंजेक्शन में क्या होता है किसी के द्वारा लगाया जाता है, पेन फ्री होता है, दवाई खाओ कोई दिक्कत नहीं, इजी टू टेक, आसान होता है लेना। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ द जीआईटी, पूरी जीआईटी यानी कि पेट से लेकर अंदर तक पूरी जीआईटी में एब्जॉर्ब होता चला जाता है। ये चीप, ये ड्रग्स जनरली चीप होती है, मेडिसिन वगैरह देख लो, इंजेक्शन थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन जो टैबलेट होती है जनरली क्या होती है, सस्ती होती है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट मतलब ये दवा कई बार सक्षम नहीं होती है, ओनली पार्ट ऑफ द ड्रग मे बी अब्सॉर्ब, ड्रग का कुछ हिस्सा ही एब्जॉर्ब हो पाता है। मान लो हमने खाया 100 ग्राम, 100 ग्राम में से मान लो सिर्फ 50% या 40% ही क्या हो पा रहा है, एब्जॉर्ब हो पा रहा है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है, फर्स्ट पास इफेक्ट, ये क्या चीज होती है, इसमें होता क्या है, जब भी हम दवा को ओरली खाते हैं तो दवा पहले कहां जाती है, पेट में जाती है, और पेट से चली जाती है लीवर में, पेट से कहां जाती है, लीवर में जाती है। अब ये कैसे हो गया, दवा पेट में थी तो आंतों में जानी चाहिए थी, लीवर में कैसे चलेगी, अभी बात करेंगे उसके बारे में। ड्रग एब्जॉर्ब ओरली आर इनिशियली ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर वाया द पोर्टल वीन, पेट से कुछ ब्लड वेसल्स निकलती है, खून की नसें, ब्लड वेसल समझते हो ना, वो ब्लड वेसल सीधा कहां जाती है, लीवर में जाती है। तो दवा जो पेट में जाकर घुल जाती है उसके थ्रू कहां पहुंचती है, लीवर में, लीवर का काम क्या है, मेटाबोलाइज करना, वो दवाओं को तोड़ देता है, तो काफी हद तक दवा का जो पार्ट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, बेकार हो जाता है। अच्छा, एक तो ये इसका साइड इफेक्ट हो गया, मतलब डिसएडवांटेज हो गया, इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। देखो डॉक्टर हमेशा कहता है कुछ खा के दवा खाना, खाली पेट खा लोगे तो पेट में बड़ी तेज क्या हो जाती है, जलन हो जाती है, और कई बार खाना खा भी लो तब भी जलन पैदा हो जाती है, तो ये इरिटेशन है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, हमारे पेट के अंदर की जो सबसे अंदर की परत होती है तो वहां पर कई बार क्या करता है, इरिटेशन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से नॉइजिया या वॉमिटिंग, जी मिचला सकता है या उल्टी आ सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय गैस्ट्रिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, कई बार ऐसा भी होता है ड्रग खाएं और खाने के बाद क्या होता है, पेट के अंदर एसिड होता है हमारा, और डाइजेस्टिव जूस पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस दवा को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि वो दवा उतनी अब इफेक्टिव नहीं रह जाएगी। इफेक्ट टू स्लो फॉर इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी और खाली तो कम से कम आधा पौन घंटा लगता है दवा को अपना
असर दिखाने में, तो इमरजेंसी के लिए बेकार है। अनप्लीजेंट टू टेस्ट ऑफ सम ड्रग, कुछ ड्रग बड़े बदबूदार होते हैं, कुछ ड्रग कई बार खाए होंगे तो उन्होंने देखोगे बड़ी अजीब सी स्मेल आती है, तो मतलब मन नहीं करता खाने का। अनेबल टू यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश है, लिख लो अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, ठीक है। मैं बच्चों फिर कह रहा हूं, कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत है, नोट्स मेरे हर लेक्चर के मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हर एक लेक्चर मेरा यूट्यूब पे जितना भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, हर एक लेक्चर में मैंने अपने नोट्स का लिंक दे रखा है आप ही लोगों के लिए, डाउनलोड करें उसे, प्रिंट आउट निकलवाएं और आराम से उसका यूज करें, ठीक है ना। सभी के, मेरा कोई भी लेक्चर खोलेंगे उनके सबके क्या मिलेंगे तुमको, डाउनलोड में जाओगे तो लिंक मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं नोट्स पहले डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है, या चलो बाद में दो बार देख लो लेक्चर को, है ना, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि और अच्छे से हो जाएगा, एक बार पढ़ लिया फिर नोट्स निकाले, जहां जहां पे ये टर्म है उनको लिखते चले गए नोट्स में, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बात समझ में आई तुम लोगों को, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हुआ क्या कि जब हम दवाइयां खाते हैं तो डिसएडवांटेज जो सबसे ज्यादा था हमारे पास वो कौन सा डिसएडवांटेज था, मतलब कि हम चाहते हैं कि किसी तरीके से एक तो ये चीज ना हो, ठीक है ना, मतलब जो दवाई खाएं तो एसिड या डाइजेस्टिव जूस उसके ऊपर असर ना करे। तो उसको देखते हुए एक प्रिपरेशन बनाई गई जिसको हम लोग कहते हैं एंटेरिक कोटेड, एंटेरिक कोटेड मतलब कि हम लोग क्या कहते हैं, दवाई के ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, वो परत होने की वजह से जो पेट के अंदर का एसिड है और डाइजेस्टिव जूस है वो दवाई को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं और दवाई हमारी पहुंचती कहाँ है, इंटेस्टाइन में, और वहां से बहुत अच्छे से वो क्या हो जाती है, फिर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो देखो एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन क्या होती है, एन एंटेरिक कोटिंग इज द केमिकल एनवलप, एक केमिकल का एनवलप परत होती है, एनवलप समझते हो ना, लिफाफा टाइप यानी कवर कर लेता है, दैट प्रोटेक्ट्स द ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड, यानी कि जो एंटेरिक कोटेड केमिकल है ना, कोटिंग जो है केमिकल है, वो क्या कर रहा है, ड्रग को स्टमक के एसिड से बचा रहा है, डिलीवरिंग इट इंस्टेड टू द लेस एसिडिक इंटेस्टाइन, और उसको लेके जा रहा है, डिलीवर कर रहा है इंस्टेड टू द लेस एसिडिक इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है हमारी वो लेस एसिडिक है, उससे क्या होगा, हमारी जो दवाई है उतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वेयर द कोटिंग डिजॉल्व एंड रिलीज द ड्रग, और इंटेस्टाइन में जाकर के कोटिंग डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है और जो ड्रग होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो एंटेरिक कोटेड सिंपल याद हो गया, दिमाग में सेट हो गया, एक केमिकल जो दवा को घेर के रखता है ताकि पेट के अंदर मौजूद एसिड और जो वहां पे एंजाइम्स वगैरह हैं उन सबको मिलाकर के हम लोग क्या बोल देते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस, वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए और हमारी दवा सीधी कहां पहुंचे, इंटेस्टाइन में। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझाया हुआ है कि एरिथ्रोमाइसिन एंड ओमेप्राजोल, ये जो दो मेडिसिन है ये एसिड के द्वारा लेवल मतलब खराब हो सकती है, फॉर ड्रग दैट आर इरिटेटिंग टू द स्टमक, अब कुछ दवाइयां ऐसी हैं अगर वो घुलना शुरू हुई पेट के अंदर ही तो पेट के अंदर जलन पैदा करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे कि अपनी एस्प्रिन है, तो ऐसी दवाइयों के ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, एंटेरिक कोटिंग कर देते हैं, टू डिले द ऑनसेट ऑफ एक्शन टू स्पेसिफिक साइट विद इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हम चाहते हैं कि पेट के अंदर ही घुले लेकिन थोड़ा लेट है ना, उसके डिले द ऑनसेट ऑफ एक्शन, उसका खाने के बाद तुरंत वो अपना काम करना असर ना करे, ठीक है, अपना काम करना शुरू ना करे। किसके केस में ऐसा होता है, क्रोन्स डिजीज के केस में हम लोग सल्फा सालाजीन के केस में ऐसा चाहते हैं, और ये ट्रीटमेंट की डिमांड होती है, उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। तो ये तीन कंडीशन है, ठीक है, अगर एसिड द्वारा खराब हो सकता है, अगर वो पेट में घुल जाएगी और पेट में इरिटेशन पैदा कर देगी, जलन पैदा करेगी, या हम चाहते हैं कि पेट के अंदर वो उसका जो ऑनसेट है थोड़ा सा लेट हो जाए, इन तीनों कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एंटेरिक कोटेड कर देते हैं, क्लियर है। फिर एक बात आती है एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन, देखो दोनों में अंतर है, उसमें केवल क्या हुआ उसने उसको, ये दोनों को कंफ्यूज मत कर जाना, एंटेरिक कोटेड में क्या किया, केवल पेट से बचा लिया दवाई को उस केमिकल की कवरिंग ने, एक्सटेंडेड रिलीज में क्या होता है, एक्सटेंडेड खिंचा हुआ लंबा रिलीज, यहां पर क्या है, हम चाहते हैं, यहां पर कुछ ऐसा समझो कि मान लो एक मेडिसिन है, मान लो तुमने 100 mg खाई, तुम हम चाहते हैं कि ये 100 mg पूरे 24 घंटे तक चले, ठीक है, तो ये जो
इस टाइप की प्रिपरेशन होती है ना एक्सटेंडेड रिलीज वाली। अच्छा, नॉर्मली अगर हम 100 mg की टेबलेट खा ले तो तुरंत घुल जाएगी, तुरंत 1-2 घंटे में पीक आएगा और फिर खत्म। जब एक्सटेंडेड रिलीज होती है तो ये प्रिपरेशन इस टाइप से होती है कि यहाँ से मान लो 24 घंटे है ना, तो डिवाइड कर लेंगे इसको, मान लो हर बार हर एक घंटे में 5 ग्राम, फिर अगले घंटे में 5 ग्राम, मतलब हर एक घंटे में या हर 2 घंटे में खास अमाउंट ऑफ ड्रग डिसॉल्व होता है, बाकी का ड्रग एज इट इज बना रहता है। उससे क्या है, बॉडी के अंदर दवा की जो मात्रा है लगातार एक समान बनी रहती है। बात समझ में आ रही है? तो यही है एक्सटेंडेड रिलीज। इसको कई बार तुम लोगों ने दवाई पे लिखा होगा और देखा होगा, SR, सस्टेन्ड रिलीज, कंट्रोल रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, या XR या XL। ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज, कंट्रोल रिलीज, ER, ये देखा होगा नो डाउट। और नहीं देखा है तो मैं फिर हमेशा बोलता हूं, घरों में तुम्हारे दवाइयों के भंडार होंगे। अगर कंबाइंड फैमिली में रह रहे हो, मम्मी पापा दादा दादी दवाइयां खा रहे होंगे, उनके जाके पोटला उठाओ दवाइयों का और देखना चालू कर दो। ठीक है, ओके। एक्सटेंडेड रिलीज मेडिकेशंस हैव स्पेशल कोटिंग, इसके ऊपर एक खास कोटिंग, कोटिंग मतलब कवरिंग होती है, और इंग्रेडिएंट्स डेट कंट्रोल, या इसके अंदर कुछ खास तत्व मिलाए जाते हैं डेट कंट्रोल ड्रग रिलीज, जो ड्रग के रिलीज को, मान लो टैबलेट है उसमें से कितनी ड्रग निकलेगी उसके रिलीज को, उसके निकलने को कंट्रोल करता है। देयर बाय, जिसके द्वारा अलाउइंग फॉर स्लोअर एब्जॉर्प्शन एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा, 1 घंटे में 5 ग्राम हुआ, फिर 1 घंटे में 5 ग्राम हुआ, ठीक है, एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन लंबे समय तक, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटे तक वो दवा लगातार बॉडी में रहेगी। क्लियर है एक्सटेंडेड रिलीज, समझ में आई बात? इससे होता क्या, फायदे क्या है इसके? एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन कैन बी डोज्ड लेस फ्रीक्वेंटली। डोज्ड मतलब अब जो एक्सटेंडेड रिलीज है उसको अब हर 6 घंटे में खाने की जरूरत नहीं है, दिन में एक बार खा लो या दिन में 2 बार खा लो अगर 12-12 घंटे का हिसाब है तो, ठीक है, लेस फ्रीक्वेंटली कम खाने पड़ेगी, एंड मे इंप्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस। अब क्या है, कोई पेशेंट मान लो भाई काम करता है, दिन भर में काम में बिजी रहता है, अब हर 4 घंटे में दवा खानी है, हर 6 घंटे में दवा खानी है, नहीं याद रहता है, अब दिन में एक बार खानी है, चलेगा, कॉम्प्लायंस कर ले जाएगा वो, ठीक है ना, मतलब इंप्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस, पेशेंट का अनुपालन, अनुपालन किसके लिए, दवाइयों के लिए, कि कब खानी है ना, जल्दी जल्दी खानी होगी तो भूलेगा जल्दी या उतर जाता दिमाग से। ER फॉर्मुलेशन, एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन मे मेंटेन कंसंट्रेशन विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। बॉडी के अंदर हर समय कितनी चाहिए, मान लो 5 ग्राम चाहिए थी तो 5 ग्राम मेंटेन रखता है लंबे समय तक, है ना। कह रहा है ER फॉर्मुलेशन मेंटेन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज, जो रेंज है हमारी, कि हम चाहते हैं कि बॉडी में 5 ही ग्राम रहे, इससे ज्यादा ना आए और लंबे समय तक रहे, तो लोग खाली दवा SR वाली, बस 5-5 ग्राम निकालता रहेगा बॉडी के अंदर, खेल खत्म। ER फॉर्मुलेशंस आर एडवांटेजियस फॉर ड्रग विद शॉर्ट हाफ लाइफ, जिनकी हाफ लाइफ कम है ना, मान लो 100 ग्राम खाई, मान लो हाफ लाइफ 3 ही घंटे की, 3 घंटे बाद ये दवा बॉडी से बाहर हो जाएगी, अब निकलती ही 5-5 ग्राम है, तो ये लंबे समय तक बॉडी के अंदर रह पाएगी। ठीक है, क्लियर है बातें? अब आते हैं बच्चों, बड़ा अच्छा टॉपिक है, फर्स्ट पास इफेक्ट या मेटाबॉलिज्म, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये है ना यहां पर, अच्छा ये डिसएडवांटेज, हाँ ये रहा फर्स्ट पास इफेक्ट, ये पता होना चाहिए, ये हर बार हर जगह ये वर्ड आता रहेगा, फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो आप उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखो यहां सिंपल सी बात समझा दूं, रीड बाद में करते हैं। हम लोगों ने कोई दवा खाई, ठीक है, हम लोगों ने कोई दवा खाई 100% डोज, पेट के अंदर गई 100% डोज, पेट के अंदर तो ठीक था, फिर जब जैसे जैसे आगे आती है तो गट CY साइटोक्रोम P450, ये एंजाइम के नाम है, अभी हमें यहां पर फेज 1 फेज 2, ठीक है, ये फेज 1 फेज 2, ये होते हैं मेटाबॉलिज्म के कुछ हिस्से होते हैं, दवाई 3-4 स्टेप में मेटाबोलाइज होती है। तो एक तो सबसे कॉमन एंजाइम है CYP, साइटोक्रोम P450, तो उसके लिए CYP लिख दिया जाता है। सबसे पहले तो ये साइटोक्रोम CYP जो है, ये यही यहां पर क्या करेगा, दवा को मेटाबोलाइज करना शुरू कर देगा। अब दवा केवल क्या है, 30% बेकार होगी, मेटाबोलाइज होगी मतलब टूट फूट गई, गई बेकार हो गई, केवल 70% डोज बची। अब ये 70% क्या हुआ, मैंने क्या कहा था, यहां से डायरेक्ट पेट से आगे निकलोगे थोड़ा सा तो डायरेक्ट यहां से एक नस जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल वीन कहते हैं, या कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वीन, नाम याद रखना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बनता है ये, हेपेटिक पोर्टल वीन, है ना, जो वीन कहां से ब्लड को कहां लेके जा रही है, ये स्टमक से कहां लेके जा रही है, लीवर में लेके जा रही है। तो हमारी सारी दवाई यहां से क्या होती है, यहां से यहां पहुंचती है लीवर में।
अब लीवर में फेज वन, फेज टू, ग्लूकोरोनिडेशन, सल्फेशन, ये सारे जो है मेटाबॉलिज्म के स्टेप है, सीवाईपी, ये सब लीवर के अंदर होता है। ठीक है, तो दवा पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक मेटाबॉलाइज हो जाती है। मात्र कितनी बचती है, 15% उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट बचते हैं, बाद बाकी लगभग पूरी दवा मेटाबॉलाइज हो जाती है। और ये फिर यहां से पहुंचती है कहां, ब्लड में हमारी आगे की बॉडी की सप्लाई के लिए। तो यही था क्या, फर्स्ट पास इफेक्ट, पहला बार या फर्स्ट टाइम जब ड्रग का मेटाबॉलाइजेशन होता है वो कहां हो रहा है, लीवर में हो रहा है। यहां से अगर दवा बच जाए तो दवा काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव मतलब अब ज्यादा मात्रा में बॉडी को मिलेगी। अब यहां पे यहां से गुजरने की वजह से बॉडी को कम मात्रा में मिली वो दवा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो आओ देखें क्या कह रहा है ये। द फर्स्ट पास इफेक्ट इज द टर्म यूज फॉर द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। हेपेटिक से लीवर से मतलब है, नोट कर लो, हेपेटिक मतलब लीवर, लीवर का मेटाबॉलिज्म ऑफ फार्माकोलॉजिकल एजेंट। जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट है, फार्माकोलॉजिकल एजेंट मतलब ड्रग्स, जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट है लीवर के द्वारा, उनका मेटाबॉलाइज होना क्या कहलाता है, फर्स्ट पास इफेक्ट कहलाता है। ड्रग्स डेट आर एब्जॉर्ब वाया जीआईटी, ऐसे ड्रग जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, आर सर्कुलेटेड, वो सर्कुलेट किए जाते हैं मतलब खून के द्वारा ले जाते हैं कहां, लीवर के पास, पहले, फर्स्ट, वाया द हेपेटिक पोर्टल वीन, वाया द हेपेटिक पोर्टल वीन। लीवर देन एक्ट एज ए फिल्टर, अब लीवर फिल्टर की तरह काम कर रहा है, दैट इज फिल्टर का मतलब है ड्रग मेटाबोलाइजेस हेयर विच रिजल्ट इन रिड्यूस कंसेंट्रेशन। ड्रग यहां मेटाबोलाइज हो जाएगी, उसकी वजह से उसका जो कंसेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, ऑफ द एक्टिव ड्रग, जो उसके अंदर मेन कंपोनेंट था, एक्टिव ड्रग था, उसका कंसेंट्रेशन कम हो गया अपॉन रीचिंग इट्स साइट ऑफ एक्शन। अब जब वो कहां पर पहुंचते हुए, जब अपने साइट ऑफ एक्शन पहुंचेगा वहां पर उसका कम कंसेंट्रेशन पहुंचेगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन, या वो जब ब्लड में जाएगी तो उसका कम कंसेंट्रेशन पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है? द ग्रेटर द फर्स्ट पास इफेक्ट, जितना ज्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, द लेस द एजेंट विल रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उतना कम एजेंट, एजेंट समझ में नहीं आया तो इसको लिख लो यहां पर ड्रग, ठीक है, एजेंट मतलब ड्रग, उतना कम ड्रग हमारे ब्लड में आएगा या जहां पे उसे काम करने के लिए जाना है साइट ऑफ एक्शन, वहां पे उतना कम पहुंचेगा। ठीक है, व्हेन द एजेंट इज एडमिनिस्ट्रेट ओरली, जब इसको ओरली देते हैं हम लोग, फर्स्ट पास इफेक्ट कैन ऑल्सो ऑकर इन लंग्स, ये लंग्स में भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होता है, लीवर में, लेकिन और कहां कहां हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, वास्कुलेचर, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट एंड अदर मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू, यानी कि केवल लीवर ही नहीं, कुछ और जगह भी है जहां पर क्या है ये मेटाबॉलिज्म हो सकता है और जिसकी वजह से ड्रग का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है एक्टिव साइट पर पहुंचने से पहले। ठीक है, उसकी वजह से दवा की एफिकेसी गिर जाती है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द फर्स्ट पास इफेक्ट और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। क्लियर है, आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सबलिंगुअल और बक्कल रूट। तो देखो, सबलिंगुअल का मतलब सिंपल है, जीभ के नीचे, जीभ, जीभ, जीभ होता है, क्या होता है, चल ठीक है, जो भी है, जीभ, जीभ है कि जीभ है, चलो जो भी है, टंग, इसको हटा देते हैं, इसका मतलब क्या है, टंग, टंग के नीचे, ध्यान रख लो बस। तो हो गया सब लिंगुअल, बक्कल, जब भाई तंबाकू खाते हैं, रख लिया, डेट इज कॉल्ड बक्कल, यानी कि जब हम लोग यहां रख ले, होंठ के नीचे रख ले, तो ये सब क्या कहलाता है, बक्कल कहलाता है, बक्कल रूट। ठीक है, ये देखो, जब जीभ के नीचे रख रहा है तो सबलिंगुअल, और जब साइड में रख रहा है जैसे तंबाकू खाते हैं तो क्या हो गया, ये बक्कल रूट हो गया। क्लियर है? तो इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग, टंग के नीचे, एंड इट इज टेकन विदाउट द यूज ऑफ वाटर, पानी नहीं लिया जाएगा, बस रख लेते हैं, दवा अपने आप डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। कभी देखा होगा तुम लोगों ने गाल वाल अपना देखा होगा अगर, तो यहाँ बहुत सारी एकदम लाल लाल नसें चमकती रहती है, तो दवा घुल के ना तुरंत ब्लड वेसल में पहुंच जाती है तुरंत, और जैसे तुरंत ब्लड वेसल में पहुंची तो क्या वो लीवर के पास गई, नहीं गई, सीधा खून में पहुंच गई। सीधा खून में पहुंचने की वजह से, यहां खाने की वजह से देख, तो दवा का असर तेज हुआ, प्लस वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से भी बच गई। क्लियर है? ओके, तो यहां पे क्या कह रहा है, व्हेन इट इज प्लेस्ड अंडर द टंग इट डिसइंटीग्रेट, मतलब टूट जाती है देयर यहां पर, एंड देन एब्जॉर्प्शन ऑकर इन द माउथ, माउथ में क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। द टैबलेट आर स्मॉल इन साइज विच इज टू बी यूज थ्रू द
सबलिंगुअल रूट, वो छोटी होती है, उसको जीप के नीचे रख सकते हैं इजिली। एग्जाम्पल ऑफ सबलिंगुअल टैबलेट इज नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट कब होती है, जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं ना, इंजनल पेन वगैरह बड़ा तेज दर्द होता है, अब गोली खाएंगे तो दर्द आराम करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सीधा जीप के नीचे दवा ली, एक मिनट के अंदर जो एंजाइना का पेन होता है, चेस्ट का पेन होता है, वो बंद हो जाता है। क्लियर है। बक्कल रूट, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज कैप्ट इन बक्कल कैविटी। ड्रग को कहाँ रखा जाता है, बक्कल कैविटी में रखा जाता है, वेयर इट डिसइंटीग्रेट, जहां पर ये टूट जाती है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर इन द माउथ, और माउथ में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लें, रैपिड एब्जॉर्प्शन, बहुत तेजी से एब्जॉर्प्शन होता है, सीधा ब्लड वेसल्स रहते हैं तो उसके तुरंत सामने सामने यहीं पे घुलेगी और यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ड्रग स्टेबिलिटी, एज इन दिस रूट द ड्रग डज नॉट गो टू द स्टमक, स्टमक में तो जा ही नहीं रही है, सो इट डज इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द एंजाइम एंड एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, सो दैट इट इज स्टेबल। अब जब पेट में नहीं जा रही है तो एसिड और एंजाइम तो उसके ऊपर एक्ट करेंगे नहीं, तो ड्रग डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट, और फर्स्ट पास इफेक्ट से भी बच जाती है, लिवर में नहीं पहुंचती है। डिसएडवांटेज क्या है, इनकन्वीनियंट, इन दिस रूट द ड्रग इज कैप्ट इन द माउथ सो इट इज इनकन्वीनियंट, है ना, मुंह में रखना पड़ता है, कई लोगों को अचकचा सा लगता है कि यार यार दवा है मुंह में, अजीब सा लग रहा है, ठीक है, तो इनकन्वीनियंट है। डोज हम छोटी ही बनानी पड़ेगी, बड़ी टैबलेट नहीं रख सकते, जीभ के नीचे दिक्कत आएगी, ठीक है ना। स्मॉल साइज रिक्वायर्ड टू कीप द ड्रग इन द माउथ, जिससे कि मुंह में रहे और घुल जाए। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग, कई बार कुछ ड्रग का टेस्ट ना चाहते हुए भी अनप्लीजेंट होता है, अनप्लीजेंट मतलब जो हमको अच्छा ना लगे। द ड्रग्स हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट कैन कॉज प्रॉब्लम बिकॉज द ड्रग इज कैप्ट इन द माउथ, अब वो दिक्कत कर ही देगा, वॉमिटिंग आ सकती है, कुछ और हो सकता है, तो दिक्कत हो जाती है। कोशिश ये की जाती है वैसे कि ये वाले ड्रग्स हैं, बक्कल वाले, सबलिंगुअल वाले, ये मीठे बनाए जाए, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी ड्रग थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। ओके, उसकी बात खत्म होगी, देन बात करते हैं नेक्स्ट रेक्टल की। रेक्टल मतलब एनस, रेक्टल मतलब एनस, ठीक है। अब एनस जो है हम लोगों का, एनएस का एक खासियत है, कभी उसका डायग्राम देखना, तो जो एनएस के जो माउथ, मतलब एनएस का जो ओपनिंग होती है ना, और थोड़ा सा अंदर चले जाए, मतलब मान लो ये एनएस की ओपनिंग है, थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारी ना ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमारा जीभ के नीचे यहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, ऐसी यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, लोगों को पाइल्स हो जाती है। पाइल्स क्या है, यही कोई एक ब्लड वेसल फूल जाती है, ठीक है ना, पाइल्स है या जो भगंदर वगैरह होता है, यहाँ पे इन्हीं ब्लड वेसल्स की वजह से होता है। गरम क्या कहते हैं वो खा लो, गरम मसालेदार चीज़ें या फिर मिर्ची खा लो बहुत ज़्यादा, तो यही ब्लड वेसल्स होती है जो फूल जाती हैं, और जब वो मिर्ची के केमिकल्स फीसिस के साथ बाहर आते हैं तो यही ब्लड वेसल्स हैं जो जलन करते हैं। तो यार बहुत सारा ब्लड वेसल होता है, ठीक है। तो रेक्टल रूट में क्या बोल रहा है, जब एनएस के थ्रू दवा ली जाएगी तो दवा क्या ली जाती है, इनके लिए अलग बनता है, इसको हम सपोजिटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सपोजिटरी। इसमें नॉर्मल टैबलेट नहीं होती है जो हम मुंह से खाते हैं, वो वाली टैबलेट नहीं होती है, इनके लिए खास टैबलेट बनती है सपोजिटरी। उसकी खासियत क्या होती है, ठीक है, उसकी खासियत क्या होती है कि वो जैसी एनएस के अंदर डाली जाएगी तो वहां पर टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, उस टेम्परेचर से वो दवा घुल जाती है और घुल करके फिर इन नसों में एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। क्लियर है, आगे आते हैं। मैनी ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड ओरली कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज अ सपोजिटरी। जो दवा, दवा का मतलब है जो उसके अंदर केमिकल है, वही केमिकल वाली दवा हम लोग उसको रेक्टली भी दे सकते हैं, एनएस के थ्रू भी दे सकते हैं सपोजिटरी के रूप में, ठीक है। आगे आते हैं। इन दिस फॉर्म, इस तरीके से आर ड्रग इज मिक्स्ड विद द वैक्सी सब्सटेंस, जो ये रूप है सपोजिटरी का, इसमें वैक्सी सब्सटेंस है। वैक्स क्यों रखना है, क्योंकि हमें इंसर्ट करना होता है, ठीक है, एनएस के अंदर दवा को खिसकाना है और तो उसको खिसकना जरूरी है, थोड़ा सा अंदर जाना जरूरी है, ठीक है ना। इन दिस ड्रग, उसको मिक्स करते हैं हम लोग किसी वैक्सी सब्सटेंस के साथ, डेट डिजोल्व और लिक्विफाई, वो क्या करती है, डिजोल्व हो जाती है और लिक्विफाई हो जाती है आफ्टर इट इंसर्टेड इन टू द रेक्टम। जब हम रेक्टम के अंदर डाल देते हैं तो वो लिक्विड घुल जाती है। बिकॉज द रेक्टम इज वॉल इज थिन, रेक्टम की जो वॉल है, दीवार है, बहुत पतली होती है, एंड इट्स ब्लड सप्लाई रिच, उसके अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, ब्लड सप्लाई से भरा पड़ा है। द ड्रग इज रेडिली एब्जॉर्ब, ड्रग एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है यहां पर। अ सपोजिटरी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पीपल हु, कब ये दी जाती है, जब पीपल हु कैनॉट टेक अ ड्रग ओरली। अब वो कोई कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो मुझे दवा नहीं ले पा रहे, ऐसी कंडीशन है, यस ठीक है, ऐसी कंडीशन है,
कब होता है? बिकॉज दे हैव नॉइजिया. कई बार क्या कि कोई दवा खाओ उल्टी हो जाती है, नहीं खा पा रहा दवा, निगल नहीं पा रहा, निगलने में दिक्कत है, कुछ दिक्कत है उसके, क्या कहते हैं जो फूड पाइप है उसमें दिक्कत है. और हैव रेस्ट्रिक्शन ऑन ईटिंग, या फिर कुछ लोगों को खाने के लिए मना किया गया कि पेट में आप कुछ नहीं डालेंगे, जो भी है तो इससे लेंगे, ब्लड से लेंगे, दवा वगैरह खानी है तो फिर उस केस में हमें रेक्टल के थ्रू दी जाएगी. एज इज रिक्वायर्ड आफ्टर मैनी सर्जिकल ऑपरेशन, और कई बार कई सारे ऑपरेशन के बाद भी ये दिया जाता है, पेशेंट बेहोश पड़ा है तो कुछ नहीं, रेक्टल के थ्रू दवा को अंदर डाल दिया गया. ड्रग डेट आर इरिटेटिंग इन सपोजिटरी फॉर्म मे हैव टू बी गिवन बाय इंजेक्शन. अगर अब भी दवा इरिटेट कर रही है, मान लो रेक्टल के थ्रू यहाँ पर जलन पैदा हो रही है, कुछ हो रही है, फिर फाइनली हमें इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये रेक्टल रूट हो गया हमारे पास, ठीक है. देन वेजाइनल रूट, रेक्टल, वेजाइनल और यूरेथ्रल तीनों एक ही हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक साथ पढ़ेंगे हम लोग. तो वेजाइनल रूट क्या है हमारे पास? सम ड्रग्स में भी एडमिनिस्टर्ड वेजाइनली, कुछ ड्रग्स को सेम वही वेजाइना में डाल दिया जाता है, इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है. वुमेन एज ए सोल्यूशन, सोल्यूशन के रूप में होता है, टैबलेट के रूप में होता है, क्रीम या जेल या पेशरी और रिंग, कई सारे रूप में आता है, उसको इंसर्ट कर दिया जाता है वजाइना में, वहां पे घुल जाता है सेम रेक्टम की तरह और वहां से ब्लड वेसल में वो पहुंच जाती है. द ड्रग इज स्लोली एब्जॉर्ब थ्रू द वजाइना वॉल, वजाइनल वॉल से बहुत धीमे धीमे एब्जॉर्ब होती है. दिस रूट इज ऑफन यूज टू गिव ईस्ट्रोजन, जनरली किसको देने के लिए इस्तेमाल होता है? ईस्ट्रोजन केमिकल को देने के लिए इस्तेमाल होता है वुमेन में एट मेनोपॉज. जब वुमेन्स में मेनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन टैबलेट बनती है जो कि वजाइना में डाली जाती है. बिकॉज द ड्रग हेल्प प्रिवेंट थिनिंग ऑफ द वजाइनल वॉल एन इफेक्ट ऑफ मेनोपॉज, ठीक है ना. तो क्यों उसके द्वारा दिया जा रहा है मेनोपॉज के टाइम पे? बिकॉज द ड्रग हेल्प टू प्रिवेंट थिनिंग ऑफ द वजाइनल वॉल. ये जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन क्या करता है, जो वजाइना की वॉल होती है उसको थिक, मोटी बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है. मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज के बाद बहुत से वुमेन्स को प्रॉब्लम होती है कि वजाइनल वॉल क्या होती है, थिन होने लगती है, पतली होने लगती है, जिसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. तो वो जो वजाइना की वॉल है वो मोटी बनी रहे, उसके लिए ईस्ट्रोजन टैबलेट को इंसर्ट करवाया जाता है ताकि डायरेक्ट वहां पे जाकर के वो इफेक्ट करे, ठीक है. मेनोपॉज समझ रहे हो ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है, ठीक है. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक आती रहती है, बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन बहुत सही मात्रा में बनता रहता है. जब ईस्ट्रोजन बॉडी में बनता रहेगा तो वजाइनल वॉल प्रॉपर रहती है, क्लियर है. देन यूरेथ्रल रूट, यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रल रूट क्या होता है, जो पता ना, जो पेनिस होता है, पेनिस जहां से हमारा यूरिन पास होता है, वो जो रास्ता है उस रास्ते को यूरेथ्रा कहते हैं, है ना. जहां से यूरिन पास हो रही है मेल में, नॉट इन फीमेल, मेल की बात हो रही है, मेल में जहां से यूरिन पास हो रही है पेनिस के थ्रू, वो जो रास्ता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है. तो क्या कह रहा है, सम ड्रग्स आर गिवन थ्रू द यूरेथ्रा, डायरेक्ट क्या किया जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू अंदर पहुंचाई जाती है. दिस रूट इज कॉल्ड यूरेथ्रल रूट और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम लोग यूरेथ्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं. एडवांटेज ऑफ रेक्टल, यूरेथ्रल और वेजाइनल रूट आर एज फॉलोज, क्या क्या है. बिकॉज 50% ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ द रेक्टल रीजन बाईपास द पोर्टल सर्कुलेशन, द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग बाय द लिवर इज मिनिमाइज विद रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. अब इस लाइन को तुम सिंपल कर सकते हो, सिंपल क्या कर सकते हो, तुम यहां पर लिख सकते हो, बिकॉज जो 50% ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं, 50% ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं वो बाईपास कर जाती हैं, मतलब लिवर में नहीं जाती हैं. बाईपास मतलब रास्ता कट मार के निकल गई, लिवर में नहीं गई. अब 50% ब्लड वेसल जो रेक्टल की थी, एनएस की थी, वो लिवर में ना जाकर के सीधा ब्लड में चली गई, तो हमारी ज्यादा से ज्यादा जो दवा है वो कहाँ पहुंचेगी, सीधा ब्लड में पहुंचेगी, ठीक है. तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारा बचेगा काफी हद तक. फिर क्या कह रहा है, द रेक्टल रूट हैज द एडिशनल एडवांटेज, उसका एक और एडवांटेज है क्या, ऑफ प्रिवेंटिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रग इन द जीआई एनवायरमेंट. पेट में नहीं गई दवा तो एसिड से बच गई हमारी दवा और एंजाइम से बच गई हमारी दवा, यानी कि वो डिस्टर्ब होने से बच गई. अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर पेशेंट बेहोश है तो खा तो सकता नहीं है. एंड चिल्ड्रन, ऐसे केस में भी क्या होता है, इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस देन इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव द ड्रग ओरली. अब हम उसको मुंह से तो खिला नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है. सो इन दिस सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में ड्रग कैन बी गिवन थ्रू रेक्टल, यूरेथ्रल और वेजाइनल रूट. ऐसे केस में इन तीन रूट के थ्रू हम लोग दवा को दे सकता है. इफ पेशेंट इज हैविंग नॉइजियस और वॉमिटिंग, और पेशेंट को अगर नॉइजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, तो इस केस में भी हम ये दवा इसको दे सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा यही है, मे कॉज इरिटेशन, जलन वगैरह पैदा कर सकता है, ठीक है. एब्जॉर्प्शन में भी वेरिएबल, अच्छा हाँ, ये एक चीज और होती है,
एब्जॉर्प्शन कई बार वेरिएबल कम ज्यादा होता है एब्जॉर्प्शन, है ना, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कई बार नहीं होता है, एरर होने मतलब दवा का हम जो चाहते हैं जो इफेक्ट पूरा प्रॉपर हमें पता है पेट में जाने के बाद इतना होगा, लेकिन रेक्टल रूट में इस रूट में कई बार क्या होता है दवा का एग्जैक्ट वो प्रॉपर नहीं आ पाता है, दवा एरेटिक इन द सेंस कि कुछ कम ज्यादा जो दवा का एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, किस किस रूप में आती है इस रूट के थ्रू, रेक्टल यूरेथ्रा वेजाइनल रूट के थ्रू देने के लिए कौन कौन से रूप में दवाइयां आती है, सपोजिटरी क्या हो जब तुम चेक करोगे तो इस टाइप से दिखाई पड़ेगा, वेजाइनल बॉगीज और यूरेथ्रल बॉगीज, ठीक है ना। तो ये जब चेक करोगे डायग्राम इसके तुम लोगों को दिख जाएंगे कि इसी टाइप के की इजिली इंसर्ट हो जाए, इस टाइप से मेडिसिन बनाई जाती है, बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारे पास एटरनल रूट्स के सारे टॉपिक, अब आते हैं हम लोग किस पे, पेरेंटल रूट पे। पेरेंटल मतलब यहां पर हो गया, सीधी सीधी बात हो गई, जो दवा डायरेक्ट कहां जा रही है, ब्लड में, डायरेक्ट ब्लड में जाए। अब डायरेक्ट ब्लड में जाने के लिए यानी कि अब ना पेट में जाएगी ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरना पड़ेगा, वो डायरेक्ट खून में जाएगी, कैसे जाएगी, इंजेक्शन के थ्रू, तो वो इस पेरेंटल आ गया। इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में द ड्रग डज नॉट पास थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ड्रग को जीआईटी से पेट से होकर नहीं गुजरना होता है, इट डायरेक्टली रीचेस टू द ब्लड, ये डायरेक्टली कहां पहुंचती है, ब्लड में चली जाती है। इट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लास, इसको फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में, और वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है, आओ देखें क्या आ गया, ठीक है, वो दो कैटेगरी कौन सी है, विद इंजेक्शन, जब इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में डालें, और विदाउट इंजेक्शन, बिना इंजेक्शन के डायरेक्ट ब्लड में डालें। अब ये थोड़ा सा बच्चों को लगेगा अरे बिना इंजेक्शन खून में कैसे डाल सकते हैं, देखते हैं अभी। इन दिस क्लास द ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड विद द यूज ऑफ इंजेक्शन, एग्जाम्पल इंट्रावास्कुलर, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनस, ये सबको पता होगा इंजेक्शन हमारा इंट्रावास्कुलर होता है, इंट्रामस्कुलर मतलब सीधा नसों में, इंट्रामस्कुलर होता है मसल्स में, और सबक्यूटेनियस होता है थोड़ा सा स्किन के अंदर। और विदाउट इंजेक्शन में क्या होता है, तुमने देखा है इनहेलेशनल, सूंघा फेफड़ों में गया और सीधा ब्लड में चला गया, है ना, पेट में नहीं गया, फेफड़ों से होता हुआ सीधा कहां पहुंचा, ब्लड में पहुंचा, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन क्या है, फेफड़ों से होता हुआ कहां पहुंचता है, ब्लड में, तो वैसे ही इनहेलेशन सूंघने वाली चीजें, क्लियर है। अब इंजेक्शन की बात करें तो कितने टाइप के इंजेक्शन हो सकते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो हमारा जो अगर एक स्किन को उठाया जाए तो सबसे नीचे मसल्स होती हैं, फिर होता है सबक्यूटेनियस लेयर, फिर डर्मिस होती है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, ये जो परत देख रहे हो सबसे ऊपर की खाल ये है एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, ये दिखा रखी है ब्लड वेसल, ठीक है ना। इंट्रामस्कुलर डालना है तो ब्लड इंजेक्शन को सीधा डालना होता है, इंजेक्शन की जो लेंथ है वो इसी हिसाब से बनाई गई है कि सीधा कहाँ पहुंचेगी, वो मसल्स में। सबक्यूटेनियस के लिए हम थोड़ा तिरछा कर लेते हैं जिससे कि वो ना चाहते हुए भी इसमें वहां ना पहुंचे, मसल के पास तक ना पहुंचे। फिर इंट्रावीनस के लिए सीधा नसी होती हो तो नस निकाल करके नस में डाली जाती है। फिर इंट्राडर्मल, ये तमाम चीजें हैं, ठीक है, समझने के लिए है कि मसल्स हमारे सबसे नीचे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस है, फिर डर्मिस है, फिर एपिडर्मिस है। अब तुमको बात समझ में आ रही होगी कि कई बार देखा होगा तुम लोग इंजेक्शन लगते हो, कुछ इंजेक्शन सीधे ऐसे लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे लगाए जाते हैं, तो वो क्यों ऐसे लगाए जा रहे हैं, ये बात तुम लोगों को अब समझ में आ रही होगी, कौन से हिस्से में लगाना उसी हिसाब से हम इंजेक्शन को झुका लेते हैं, क्लियर है। तो देखो किस किस टाइप के इंजेक्शन हो सकते हैं, इंट्रावास्कुलर डालोगे मतलब सीधा सीधा वीन्स में, इंट्रामस्कुलर सीधा सीधा मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, सबक्यूटेनियस इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू में, इंट्राडर्मल स्किन के अंदर, इंट्रा आर्टरियल आर्टरीज में सीधा सीधा डायरेक्ट, इंट्राथिकल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है पता है ब्रेन में जो पाया जाता है, जो सीधा यहाँ पे लगता है अब बैकबोन में, है ना, जो वो है ये, यानी कि ये वो चीज है जो अगर तुम लोगों को पता होगा जब सर्जरी होती है, सर्जेरियन होता है, डिलीवरी होती है, तो फीमेल्स को एक इंजेक्शन दिया जाता है जो सीधा यहीं लगता है पीठ में यहां पर आकर के, वो क्या करता है नीचे के हिस्से को सुन कर देता है, ऊपर का हिस्सा ओके रहता है। इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी जो हमारी बॉडी की होती है, इंट्रा आर्टिकुलर साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड क्या होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे घुटने के, या ये जो जॉइंट्स हैं इनके बीच में क्या भरा हुआ है, एक गैपिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जो ऑयल का काम करता है, जैसे हम कई बार बोलते थे ना कि अरे बूढ़े हो गए इनका ग्रीस खत्म हो गया, तो वो जो ऑयल वाला स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस जगह को कहा जाता है साइनोवियल स्पेस, और वहां पर जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को कहते हैं हम लोग साइनोवियल फ्लूइड, क्लियर है बातें।
इस टाइप से इतने सारे केसेस हो सकते हैं जहां पर हम लोग क्या है कि इस तरीके से इंजेक्शन को हम लोग दे सकते हैं। चलो आगे आते हैं, इंट्रावस्कुलर की बात कर लें थोड़ी सी। तो क्या है इंट्रावस्कुलर में, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज डायरेक्टली टेकन इनटू द ब्लड। ब्लड ड्रग को डायरेक्टली कहां लिया जा रहा है, ब्लड में लिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू ब्लड ड्रग को डायरेक्ट ब्लड में पहुंचाया जा रहा है। एब्जॉर्प्शन फेज इज बाईपास्ड, एब्जॉर्प्शन होने की जरूरत नहीं है भाई, एब्जॉर्ब होता ही क्यों है ड्रग, ताकि खून में आए। अब वो डायरेक्ट खून में डाला जा रहा है तो एब्जॉर्ब होने की जरूरत यहां पर है ही नहीं। एडवांटेज, प्रिसाइज एक्यूरेट एंड ऑलमोस्ट इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन। प्रिसाइज है, जितना डालेंगे पूरा पूरा जाएगा। एक्यूरेसी जब बहुत ज्यादा अच्छी होती है भाई, 100 ग्राम डालते 100 ग्राम 100 ग्राम ही रहेगी भाई, ज्यादा हम कर 99 हो जाएगा। ऑलमोस्ट इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन, इंजेक्शन लगते ही विद इन एक 1 मिनट 30-40 सेकंड के अंदर ही ये अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज कैन बी गिवन फेयरली पेन फ्री, पेन ना के बराबर है, इंजेक्शन का पेन ना के बराबर होता है। लार्ज क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी डायरेक्ट दी जा सकती है बॉडी के अंदर। कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट होश में नहीं है उनको दिया जा सकता है। क्विक एक्शन ड्रग्स हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट कैन बी गिवन, जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है दवाओं का, उसको इंजेक्शन के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। डिसएडवांटेज, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, हो सकता है कई बार पेन गलत लग जाता है तो बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। ग्रेटर रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, अगर यहां पर रिएक्शन हुई तो बहुत बुरा होता है, फिर बहुत मतलब भयानक केस बन जाता है, क्योंकि सीधा ब्लड में जा चुका है, रिएक्शन भी तुरंत ऑन द स्पॉट होगी और गंभीर होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाई कंसेंट्रेशन अटेंड रैपिडली, तुरंत ब्लड गया तुरंत एकदम से कंसेंट्रेशन हाई हो जाता है, जो कई बार नुकसानदायक हो सकता है। रिस्क ऑफ इम्बोलिज्म, गांठ आठ से बन जाती है हमारे इंजेक्शन लगने के बाद, ये उसकी बात हो रही है। देन इंट्रामस्कुलर, ठीक है, इंट्रामस्कुलर की बात करें अगर हम लोग, तो इंट्रामस्कुलर क्या है, यहाँ पर मसल्स में है ना, जो मसल्स में लगाया जाता है, बाजू में या बम पे लगाया जाता है। तो इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज गिवन इनटू द मसल्स, कहाँ दिया जा रहा है, मसल्स में विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ड्रग वंस रीचेस टू द मसल एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, मसल के अंदर पहुंचने के बाद फिर वो एब्जॉर्ब ब्लड में ही हो जाती है। वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है ड्रग का इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन है में है ड्रग तो बड़ी तेजी से, यानी पानी के सॉल्यूशन में बना हुआ है, बहुत तेजी से ये ड्रग क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। डिपोट, एक खास तरह की प्रिपरेशन बनाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिपोट कहते हैं। स्लो रिलीज, ये स्लो रिलीज प्रिपरेशन होती है, होती क्या है डिपोट, आओ देखें। डिपोट प्रिपरेशन ऑफन कंसिस्ट ऑफ अ सस्पेंशन, डिपोट में जनरली क्या होता है, सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन का मतलब कई बार तुम्हें देखो ना, दवा पानी के अंदर भर के मिलाई जाती है, गाड़ी गाड़ी सी दिखाई पड़ती होगी, ठीक है ना, तो कुछ तो पूरी घुल जाती है, कुछ सस्पेंशन जैसी दिखती होंगी, ठीक है। ऑफ ड्रग इन नॉन एक्वस वेहिकल, अब यहां पे दवा जिसके अंदर मिलाई गई है वो भी नॉन एक्वस है, यानी कि पानी नहीं है, ठीक है। सच अ पॉली सच एज पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, यहां पे एग्जांपल दिया है किसके अंदर दवा मिलाई जाती है। एज द वेहिकल डिफ्यूजेस आउट ऑफ द मसल्स, जैसे ही जो वेहिकल होता है डिफ्यूज आउट ऑफ द मसल होता है, ड्रग प्रेसिपिटेट एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, दवा जैसी निकली मसल से पहुंची वहां प्रेसिपिटेट हो जाएगी। प्रेसिपिटेट का मतलब एक तो समझ लो कि गुंठलियां सी बन जाएंगी दवा की ना, जैसे समझते हो जैसे आटा मारते हो गुंठलियां से बन जाती है। एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहां इंजेक्शन लग रहा है वहां पे गुंठलियां सी बन जाएंगी। द ड्रग देन डिजोल्व स्लोली, अब वो गुंठलियां धीरे 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 डिजोल्व होंगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ सस्टेन डोज ओवर एन एक्सटेंडेड इंटरवल, अब वो क्योंकि धीरे धीरे डिजोल्व होंगी तो एक लंबे समय तक दवा एकदम नहीं, धीरे 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 लंबे समय तक बॉडी में रहेगी और वो काम करेगी, डेट इज कॉल्ड डिपॉट, ठीक है। पेन एट इंजेक्शन साइट फॉर सर्टन ड्रग, कई बार दर्द होता है इंट्रामस्कुलर में बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है। नाउ सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज गिवन इन टू द सबक्यूटेनियस लेयर, जो ऊपर दिखाई थी मैंने, सबक्यूटेनियस लेयर होती है, ऐसे तिरछा करके लगाई जाती है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ड्रग वन रीचेस टू सबक्यूटेनियस लेयर, क्रॉसेस द मेम्ब्रेन एंड एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड, ठीक है। सबक्यूटेनियस लेयर में पहुंचने के बाद मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो कहां पहुंच जाती है, अल्टीमेटली जाना उसको ब्लड में ही है, इसीलिए इन सबको पेरेंट्रल के अंदर रखा गया है, बात समझ में आ रही है, इसीलिए इन सबको पेरेंट्रल के अंदर रखा गया है। देन इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर, देखो यहां पर अगर तुम लोग इसको देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, ये देखो
ठीक है ना, ये बैकबोन आ रही है और ये यहां पर ये इंजेक्शन दिखा रहे हैं, ये यहां पर इंजेक्शन दिया गया, ठीक है ना। तो यानी कि ये ब्रेन का जो ऊपर सेरेब्रोस्पाइनल वाला फ्लूइड वाला पार्ट था वो आ रहा है इस तरीके से, और क्योंकि दिमाग में तो सीधा लगा नहीं सकते, दिक्कत है, तो सीधा यहाँ पे इसके थ्रू देते हैं, तो ये इफेक्ट पूरा दिखाता है अपना, ठीक है ना। तो यही है हमारे पास क्या इंट्राथीकल या आ गया, ठीक है, इंट्राथीकल या इंट्रा वेंट्रिकुलर। द ब्लड ब्रेन बैरियर टिपिकली उसमें क्या होता है, जो ब्रेन होता है हमारा उसकी एक खास कवरिंग होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। वो क्या करता है, कई सारी मेडिसिन को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता है, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ब्रेन के लिए क्या है हार्मफुल होती है। टिपिकली डिलेज और प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, वो बना तो प्रोटेक्शन के लिए है, तो अगर हम डायरेक्ट दवा खाते हैं पेट के थ्रू, पेट में जाने के बाद या इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो दवा डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे नहीं पहुंचती है, किसकी वजह से, ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से। व्हेन लोकल रैपिड इफेक्ट आर नीडेड इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस ड्रग डायरेक्टली इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हमें तुरंत एक्शन चाहिए भाई, जैसे डिलीवरी हो रही है, तुरंत पेट में चीरा लगाना है, तो तुरंत हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, चीजें सुन्न हो जाए, लेकिन दवा देंगे या यहाँ इंजेक्शन लगाएंगे उसके थ्रू ब्रेन में पहुंचेगा, फिर वो काम करेगा, बड़ा टाइम लग जाएगा। तो सीधा इंजेक्शन कहाँ लगा दिया जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में लगा दिया जाता है और वो अपना काम हो जाता है। क्लियर है, ये तो हो गया इंजेक्शन वाले। बिना इंजेक्शन वालों की बात करें अगर, इन दिस क्लास द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू द ब्लड विदाउट गोइंग इन टू द GIT, ठीक है ना, यहाँ पे वही कहानी है, पेट में दवा नहीं जाएगी। इन दिस क्लास द ड्रग इज नॉट एडमिनिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, यहाँ पर हम लोग इंजेक्शन की भी हेल्प नहीं लेते हैं। इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द गैसेस फॉर्म, जनरली क्या होता है गैसेस फॉर्म या एरोसॉल, एरोसॉल होता है ना, जैसे कि हम डिओ लगाते हैं, डिओड्रेंट लगा, देखो जो छींटे सी पड़ती हैं, डेट इज कॉल्ड एरोसॉल। जब पंपिंग करते हैं हम लोग उसमें भी कई बार क्या होते हैं एरोसॉल्स होते हैं या गैसेस फॉर्म होती है, जैसे कि हम लोग जो एनेस्थीसिया होता है वो क्या है गैसेस फॉर्म होती है, सुंगा देते हैं तो आदमी बेहोश हो गया, तो डायरेक्ट कहाँ पहुँचती है, वो ब्लड में पहुँचती है हमारे, ठीक है ना। तो ये विदाउट इंजेक्शन वाले पार्ट आ गए यहाँ पर। अब इसके अंदर हम बात करें तो ओरल इनहेलेशनल एंड नेसल प्रिपरेशन, ये दो ही खास आती है हमारे पास, ओरल इनहेलेशन सूंघ लो, ठीक है, या नेजल प्रिपरेशन नाक से ले लो, ओरल सूंघो या नाक से लो फर्क नहीं पड़ता उससे, वो होगी गैस के रूप में और सीधा हमारे ब्लड में जाती है वो। बोथ ओरल इनहेलेशन एंड नेजल रूट या नाक से लिया जाए ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड रैपिड डिलीवरी ऑफ ड्रग अक्रॉस द लार्ज सर्फेस एरिया ऑफ म्यूकस, ये तुरंत रैपिड डिलीवरी बहुत जल्दी से ब्लड को पहुंचाता है अक्रॉस द लार्ज सर्फेस एरिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फेफड़े हैं ना उसमें बहुत सारे एल्वियोली वगैरह होते हैं, तुरंत ब्लड वहां पहुंचती है। और अगर तुम लोगों को पता हो जो एल्वियोली होती हैं उसके आसपास ढेर सारी क्या होती हैं ब्लड कैपिलरीज होती है, तो तुरंत दवा यहां पहुंची यहां से, और यहां से दवा कहां पहुंच गई, तुरंत यहां पे जो ब्लड कैपिलरीज थी उनके पास पहुंच जाती है। तो हमने सूंघा, सूंघ के सीधा हवा, जैसे ऑक्सीजन पहुंचती है ठीक वैसे ही ऑक्सीजन कहां गई, फेफड़ों से, फेफड़ों सीधा ब्लड में, तो हमने सूंघा दवा पहुंची फेफड़ों में, फेफड़ों सीधा ब्लड में, बस वही काम है ये। ड्रग इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट एज रैपिड एज दोज विद द आईवी बोलस, यानी कि जब हम इंट्रावस्कुलर देते हैं ठीक लगभग वैसे ही ड्रग का इफेक्ट है, उतना ही तेजी से होता है लगभग लगभग, और वैसे ही करेगा काम ये। क्लियर है बातें, चले आगे। ट्रांसडर्मल, देखो ट्रांसडर्मल यहां पे क्या रहता है कि इस तरह के पैचेस होते हैं, देख रहे हो ये पैच रहेगा, इस तरह लगा लोगे इसमें दवा रहती है, यहां से दवा निकल निकल के स्किन के अंदर जाएगी, स्किन के अंदर पहुंच करके फिर ब्लड वेसल तक पहुंचेगी और फाइनली वो ब्लड के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है ना। डेट इज कॉल्ड ट्रांसडर्मल, डर्मा के आर पार होते हुए, क्लियर है। चले इसे देखें, दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अचीव सिस्टेमिक इफेक्ट, सिस्टेमिक इफेक्ट मतलब बात वही है, कहां जा रहा है सिस्टेमिक मतलब सीधा सीधा कहां जा रहा है ड्रग, ब्लड में जा रहा है। बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन, ड्रग को कहां लगा रहे हैं हम लोग, स्किन पे लगा रहे हैं, यूजली वाया ट्रांसडर्मल पैच, ये जो देख रहे हो गोल गोल, इसको हम लोग क्या कहते हैं पैच कहते हैं, पैच मतलब समझते हो ना जैसे टुकड़ा होता है कोई, वैसे पैच बोल दिया गया। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द फिजिकल कैरेक्टर्स, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किन की चीजों पर डिपेंड करेगा, स्किन कैसी है, कई लोगों की सॉफ्ट होती है, कई लोगों की हार्ड होती है,
एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, जहां तुम लगा रहे हो इसको, गाल पे लगा रहे हो, ठीक है, माथे पे लगा रहे हो, हथेली पे लगा रहे हो, कहां लगा रहे हो, स्किन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल एज लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। क्योंकि यहां पर हमको क्या है, सेल वॉल को क्रॉस करते हुए जाना है, तो लिपिड में कितना सॉल्युबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा यहां पर क्या एब्जॉर्प्शन। तो एडवांटेज रैपिड ऑनसेट है ड्यू टू रैपिड एक्सेस टू सर्कुलेशन, तुरंत ही ब्लड में पहुंचता है। पेन नॉट ऑकर बिकॉज इंजेक्शन इज नॉट यूज्ड, है ना, दर्द नहीं होता यहां पर। एग्जाम्पल क्या है, इनहेलर्स है और एरोसोल्स आ गए, ठीक है, ये पूरा उसका दे दिया जो ऊपर हम पढ़ते आ रहे थे। अब बात करते हैं, लास्ट आता है हमारे पास लोकल टॉपिकल रूट और ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल और टॉपिकल रूट मतलब क्रीम लगा ली, या लोकल, लोकल मतलब सिर्फ उतने हिस्से में, पूरी बॉडी पे नहीं, सिर्फ बॉडी के थोड़े से पार्ट पर, डेट इज कॉल्ड लोकल, और टॉपिकल मतलब ऊपर। अब ये ब्लड में नहीं गई चीज, अब ये चीज कहां नहीं गई, ब्लड में नहीं गई, इसीलिए इसको सिस्टेमिक नहीं कहा गया। इन दिस रूट द ड्रग इज अप्लाइड ऑन द स्किन, स्किन पे लगाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, कभी छाले वगैरह होते तो हम यहां मुंह पे लगा लेते हैं दवा को, ठीक है, फॉर द लोकल एक्शन, वहीं के वहीं असर करेगा, कहीं और ब्लड, कहीं और ड्रग नहीं जाता बॉडी में। म्यूकोसल मेम्ब्रेन, अगर बहुत सी दवाइयां ऐसी है कि आंख, आंख में जो दवा डालते हैं तो आंख की जो लेयर होती है वहीं पे काम करती है, जैसे आंख लाल है इस तरीके से, एंटीसेप्टिक कोई दवा लगा ली है, सनस्क्रीन लगा लिया चेहरे पे, कैलस रिमूवल, नेसल, है ना, ये सब नाक में डाल ले, ये सब क्या है हमारे पास म्यूकोसा पे है, मतलब वहीं के वहीं इफेक्ट करेगा। लेकिन म्यूकोस, म्यूकोस क्या होता है, ये जो हमारा मुंह खोले और अंदर की जो लेयर है चिपचिपी, उसको म्यूकोस कहते हैं, ठीक है ना। स्किन पे इस्तेमाल होता है, स्किन पे इस्तेमाल के लिए डर्मल, यानी कि सबसे ऊपर की स्किन पे इस्तेमाल करें तो रबिंग इन ऑफ ऑयल और ऑइंटमेंट, जो तेल लगाते हैं कई बार रगड़ देते हैं, या ऑइंटमेंट लगा कर रगड़ दे रहे हैं, तो वो उतने ही हिस्से पे काम कर रहा है, पूरी बॉडी में नहीं जा रहा। एग्जाम्पल्स हैं क्रीम, लोशंस एंड जेल्स, क्लियर है, तो इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। आगे आते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट मतलब कोई दवा जो ड्रग हमने खाई है उसका असर कितनी देर में शुरू हो जाता है। The length of time needed for medicine to give its action, ये वो समय है जब दवा अपना असर दिखाती है। This time varies for different types of routes, अलग अलग route of administration में सबका onset of action, यानी कि असर दिखाने का समय अलग अलग होता है। क्या क्या है, इंट्रावीनस में 30 से 60 सेकेंड है, इंट्राऑसियस में जो हड्डी में लगाया जा रहा है, ठीक है, 30 से 60 सेकेंड है, इनहिलेशन में 2 से 3 मिनट है, सब लिंगुअल में 3 से 5 मिनट है, इंट्रामस्कुलर में 10 से 20 मिनट है, सबक्यूटेनियस में 15 से 30 मिनट है, रेक्टल में 5 से 30 मिनट है, ओरल में 30 से 90 मिनट है, टॉपिकल और ट्रांसडर्मल टॉपिकल वेरिएबल यहाँ पर, तो क्योंकि अब क्या है वो तो है ही नहीं कि अंदर जाकर के पूरी बॉडी पर असर दिखाना है, तो वो तो धीरे धीरे अपना काम करती है, मान लो फंगल इन्फेक्शन है तो धीरे धीरे काम करती है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई वो नहीं है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर इसलिए लिख दिया गया ये पॉइंट नहीं है, वेरिएबल मिनट है टू आवर्स, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन की भी बात हो गई। अब मैंने यहाँ पर एक क्या कर दिया है, ये समराइज समरी हो गई है यहाँ पर, कैसे, क्योंकि जो मेन हमारे पास हेडिंग क्या है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब उसमें दिक्कत क्या थी, केवल ओरल बोल के समझाया जाता, सबलिंगुअल बोल के समझाया जाता, इंटरवेंस बोल के समझाया जाता, तो मजा नहीं आता। अब जो पीछे हमने पढ़ लिया है ना, अब तुमको पता है सबलिंगुअल क्या होता है, ओरल क्या होता है, ठीक है, इंट्रावीनस क्या है, इंट्रामस्कुलर क्या है, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, एक तरह से कह लो कि समरी है। क्या है ये, सबक्यूटेनियस क्या है, इनहेलेशनल क्या है, टॉपिकल क्या है, ट्रांसडर्मल पैच क्या है, रेक्टल क्या है। अब तुमको सबके बारे में पता है तो अब ये समरी तुमको याद करना आसान हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है, वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर ही पूछ सकता है, या डिफाइन सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो तुम लिख दोगे यहाँ पे जीप के नीचे दिया जाता है, ये उसके एडवांटेज है, ये उसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमन कन्वीनियंट बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट, अब ये बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट यहां ऐसे बताता तो समझ में नहीं आता, पीछे मैंने डिटेल कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे यहां पे मैंने लिख दिए एक तरफ से, सारे कहीं ना कहीं पीछे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, तो ये तुम चाहो तो अपनी एक अलग से टेबल बना सकते हो, और ये टेबल पक्का याद कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट उठ के आएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को लेकर के। बात समझ में आ गई है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं, वही सारी बातें जो अंदर लिखी हुई हैं, क्लियर है। तो ये रहा हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में छोटा सा लेक्चर, छोटा नहीं होगा, पढ़ा हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो हमको क्या करना है, केवल इसको पढ़ लेना, और एक ध्यान रखना, लकी का फकीर मत बन जाना। कॉमन सी बातें बहुत सारी तुमको ही पता होगा, जैसे इंजेक्शन के बारे में बोलूं, तुमको कहां दर्द होता है, तुमको पता तुरंत एक्शन होता है, तो कुछ जनरल बातें तुमको पता ही है,
तो वो तो अपने दिमाग में सेट कर लेना। कुछ स्पेशल बातें ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पास इफेक्ट था, कुछ और चीजें हैं, एंट्री कोटेड वगैरह थी, ये सब चीजें थोड़ा सा पढ़ के दिमाग में सेट कर लोगे और रिवाइज करोगे। क्लियर है? करोगे ना, पढ़ाई करोगे, रिवीजन करते रहना। क्लियर? ऑल द बेस्ट।